तुम लोग भी पीपी के गॉड बनना चाहते हो, बट तुम्हारे पास एक्चुअल नॉलेज ही नहीं है, क्या बनोगे? तुम लोग पीपी के लिए कौन सा वेपन चुनोगे, स्वॉर्ड या एक्स? देखा जाए तो दोनों ही पीपी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, बट दोनों में बहुत डिफरेंट है पीपी के टाइम यूज करने के लिए। स्वॉर्ड में तुम बहुत जल्दी जल्दी मार सकते हो, बट एक्स में तुमको रिकॉल होने का टाइम लगेगा, उतने में कोई बंदा तुमको मार के भी चले जाएगा। और पीपी के लिए बेस्ट और इजी वेपन होता है स्वॉर्ड, जिसमें तुम जल्दी से प्रो बन सकते हो, बट अगर तुमको स्वॉर्ड भी चलाना नहीं आता तो तुम कैसे प्रो बनोगे? चिंता मत करो, मैं बताऊंगा तुमको स्वॉर्ड को कैसे यूज करते हैं और उसमें तुमको प्रो बनाऊंगा। तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे तरीके लाया हूं मैं, जिससे तुम लोग बहुत जल्दी स्वॉर्ड को यूज करना सीख जाओगे और प्रो बन जाओगे। और ये मैं हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक हफ्ते तक जितने भी यूट्यूब में मुझे वीडियोस मिले सारे के सारे देखे, उसमें जो बोला हर एक चीज को लिखा हूं, उसके बाद मैं तुमको सारी चीज बताने वाला हूं। मैं तुम लोगों को गाइड करने वाला हूं कि तुम लोग स्वॉर्ड को सही से कैसे यूज करोगे। तुम्हारे सारे फेवरेट यूट्यूबर मतलब कि सैंड पाई, उसके भी सारे टेक्निक को देख के और सीख के आया हूं जो मैं तुम लोग को बताने वाला हूं, इसलिए तुम उस पे विश्वास कर सकते हो, मैं तुमको प्रो बना दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बट उससे पहले पता नहीं मेरे इस चैनल के साथ क्या हो गया है, सब्सक्राइब बटन काम नहीं कर रहा है। मेरे को ये वाला एनिमेशन देखना था, आप एक बार ट्राई करके देखना ये वाला एनिमेशन काम कर रहा है कि नहीं, और लाइक भी कर देना। पीपी में सबसे मेन चीज होता है अटैक से पहले डिफेंस, तुम बचो उसके बाद मारो। सबसे पहला मेन चीज याद रखना, तुमको अपना एफओबी को ज्यादा और कम भी नहीं रखना है, नूब की हरकतें करोगे नहीं तो। 90% रखना बेस्ट है, जैसे कि ये मेरे को मारने की बार बार कोशिश कर रहा है, बट मैं इसको मारूंगा नहीं, पहले इसको दूर हटाऊंगा। ऐसे फालतू स्पैम मत करना, बट कोशिश करना उसको दूर हटाओ, हल्का फुल्का डैमेज और मारो, ऐसे राइट और लेफ्ट जाके ही मारो कि बंदे को समझ ना इसको मारना कैसे है, कंफ्यूज हो जाए, और मौका मिलेगा तब तुम उसको क्रेट मारना। खुद डैमेज मत खाना, बस उसको मारना जितना हो सके क्रेट, जल्दी जल्दी जितना हो सके अच्छे से क्रेट मारने की ट्रेनिंग कर लेना। इसको मैं ऑन करता हूं, ये मेरे को भी अटैक करेगा, देख सकते हो मेरे को ही मार रहा है, मैं इसको दूर हटाऊंगा, पहले इसको मारूंगा दूर हटाने के लिए, इसको मेरे को अटैक करने नहीं देना। अगर ये बंदा कुत्ते टाइम मारे पड़ा है तो तुम उसको जितना हो सके दूर हटाओ, क्लोज मत रखो, दूर हटाओ। देखो एक भी हिट नहीं मार पा रहा ढंग से, पर बहुत ज्यादा गंदा मारता है उसका। तुम मौका मिले मार दो उसको, मौका मिले तुम्हें छोड़ना नहीं, क्रिट पे क्रिट मारते रहना उसको, जब तक अगले वाला बंदा तुमको हिट ना कर दे एक बार भी। जब तुम्हारा कंट्रोल बिगड़ेगा तब जाके तुम दूर हटना, उससे पहले तुम उसको मारते रहो क्रिट पे क्रिट, नहीं तो तुम उसको दूर हटाओ जितना हो सके। ये देखो दूर हटाते रहो, अब वो क्रिट मारे जा रहा था इसलिए तुम भी उसको आराम से क्रिट मार पा रहे थे, बट अगर कॉम्बो मारेगा तब तुम क्या करोगे? वो लगातार मारे पा रहा तो तुम्हें बेनिफिट है तुम्हारे पास, वो तुमको मारेगा और हवा में उछलेगा, तुम उछल के मारो उसको। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ देख सकते हो, वो मेरे को मार रहा है मैं उसको मार रहा हूँ, वो क्रिट लग रहा है मेरा, उसको कॉम्बो हो रहा है मेरा क्रिट लग रहा है ना, तुम कॉम्बो में तो गए तुम, और तुम बच सकते हो, उसको दूर हटाओ जितना हो सके दूर हटाओ, मारनी मत दो, मौका मिले उसको क्रिट पे क्रिट मारते रहो। जैसे अभी देख सकते हो आगे वाला बंदा कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो मार खाए पा रहा है, इसलिए तुम भी ये तरीका यूज कर सकते हो। और एक टेक्निक बताता हूँ, वो बुली टेक्निक होता है, जिसके लिए आगे वाले बंदे को मारने दो कि तुम कॉम्बो में फंस चुके हो, पूरा तुम्हारा टोटम को फूटने दो एक बार, इसका टोटम पहले फूट गया, चलो तुम्हारा टोटम फूट गया, तुम दूर हटो। गाइस क्या हो गया था कि उसका क्या बोलते है नॉकबैक लगा था उसके स्वॉर्ड में 2, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा दूर दूर फेंक रहा था, इसलिए मैं इसको ला लिया। इसका देखते भी क्या हो रहा है, ये मेरे को मारेगा, टोटम फूट गया, मैं दूर हटा और मैं ही रहूंगा पहले। देखो आज आ रहा है, मैं इसको मारूंगा, मेरे को मिल चुका रजिस्ट्रेशन, अब वो कितना ही मारे मेरे को डैमेज नहीं पड़ेगा, बट अब मैं उसको ज्यादा क्रिट मारूंगा या कुछ भी मारू उसको बहुत डैमेज पड़ने वाला है। देख सकते हो जैसे इसका टोटम भी फूट गया इतना जल्दी, मेरा हार्ट एक भी नहीं गया। चलो मैं तुमको जितना भी नॉलेज दिया हूं उसके हिसाब से पीपी करके दिखाता हूं, तुम जज कर लेना। जैसे देख सकते हो हमको धड़ाधड़ मारे पड़ रहा है, पर मैं अपने सारे टेक्निक इसी पे अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं दूर हटा रहा हूं, अटैक बाद में करेंगे, इसको दूर हटाओ, बहुत गंदा मारता है देख सकते हो तुम। मैं जो क्रिट मारे पड़ रहा हूं बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, दूर हटे पड़े बार बार, मैं डैमेज दे दिया नुकलो भी, आजा फाइट कर, ले दूर हट तू, क्या मेरे को मारेगा साले, तुमको भी पीपी मैं सिखाता हूँ, दूर हट, टोटम फूटने वाला गाइस मेरा फूट गया, मार के दिखा जलता मैं, चले मार के दिखा साले, आया बड़ा मेरे को मारेगा। तुम गाइस इतना आराम से पीपी कर सकते हो, आगे वाला बंदा पगला जाएगा, ये बंदा कौन है भाई मेरे को मारने नहीं दे रहा है। आगे वाला बंदा कॉम्बो भी ट्राई करेगा ना, बट तुम कॉम्बो क्रिएट ट्राई करोगे बेचारा मर जाएगा इससे। मैं जितने भी होते सारे पीपी में लाइन टू लाइन आने वाला हूँ, जिसके लिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ, हाउ टू बिकम पीपी गॉड इन पुजाओ लॉन्चर सीरीज, एंड कुछ टाइम बाद जब मैंने पूरी चीजों को सिखा दिया तुम लोग को, उसके बाद मैं लाइव में पीपी करने वाला हूँ, वो भी सब्सक्राइबर के साथ, मतलब तुम लोग सारे चीजों को समझा देता हूँ उसका, सबके साथ पीपी करूंगा भी लाइव में। ऑल द बेस्ट मेरे को मारने के लिए, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे।
कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। याद रहे, बस सब्सक्राइबर को ही लूंगा। अगर तुम पजाव में खेल रहे हो, तुम्हारे पास अच्छे कंट्रोलर नहीं है, तो तुम मेरे इस वीडियो को देख सकते हो जो राइट साइड में आ रहा है। उसमें मैंने बेस्ट कंट्रोलर दिए पीपी के लिए, जो मैं इस वीडियो में भी यूज कर रहा था। तुम आराम से डाउनलोड करो और खेलो। चल इसको बत्ती देता हूँ, बहुत हो रहा है। मेरे को मार रहा था, नहीं ले टोटम फूट सालेगा, रुक और मारेगा तू। ये ले और एक टोटम फूट, क्या मजा है साले, कितना मार रहा था मेरे को वीडियो में। हीरो बन रहा है साले, तुम लोगों को पीपी मैं सिखा रहा हूँ और तुम लोग मेरे को मारोगे। ये ले आया वड़ा।